खबर पन्ना जिले के आमनगंज तहसील से है, जहां ग्राम पंचायत मढ़िया कला के गांव हिनौता दुबे निवासी सुहानी पांडे नाम की छात्रा ने मीडिया के माध्यम से प्रशासनिक अमले से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर बताया कि उसकी मां का देहांत हो चुका है। पिता बाहर रह रहे हैं, वह अपने 3 भाई और बहन के साथ गाँव में रहती है, लेकिन गांव के लोगों ने उसका रास्ता बंद कर दिया है, जिससे वह अब विद्यालय नहीं जा पा रही है। इतना ही नहीं, दबंगों के कारण वह विद्यालय भी जाना बंद कर दिया है। पीड़िता ने सीएम हेल्पलाइन से लेकर कई जगह शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दरअसल सरहंगों ने बाड़ी लगाकर रास्ता बंद कर दिया और निकलने पर अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित छात्राओं ने क्या कहा है। हाँ, हमें ये परेशानी है कि मैं रास्ते में अतिक्रमण हुआ है। तो आप कहाँ शिकायत किए हैं? हम अमानगंज तहसील में शिकायत किए थे, आवेदन दिए थे, और वहाँ सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत किए थे, लेकिन यहाँ हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। पटवारी जी बोलती हैं कि हो गया, सब यहाँ ना देखने आए ना सुनने आए, तार बारी वैसे ही लगा थी। तो आप क्या कहते हैं? हम यही कहते हैं कलेक्टर साहब से कि हमें रास्ता मिले करने के लिए, अब बारी जो लगी अतिक्रमण तो वो हटाया जाए, ये मांग करते हैं आप जी। हमारी बहन को करने के लिए रास्ता मिले, हम और हम ना पढ़ पाते ना जा पाते, गुंडे माफिया की वजह से वहाँ पर पुलिया है, पुलिया पे खड़े होते हैं। और कहाँ कहाँ शिकायत किए? सीएम हेल्पलाइन में किए, मानधन में किए, तहसील में, और पन्ना भी कलेक्टर साहब के पास किए थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, कहीं नहीं हुई, कहीं नहीं हुई सर। तो आप किससे मांग करते हैं? हम कलेक्टर साहब से मांग करते हैं कि हमारी रास्ता खुली जाए, हमें रास्ता मिले कहीं नहीं। और सीएम हेल्पलाइन में कोई सुनवाई नहीं हुई? सीएम हेल्पलाइन में कोई नहीं सुनवाई हुई सर, वहाँ से फोन लगा देते हैं, बोलते हैं कि आपको हो गया, लेकिन यहाँ पटवारी जी बोलते हैं कि सब हो गया, इनका रास्ता चालू है, आते जाते हैं, पर यहाँ पर ना देखने आए ना सुनने आए, तार बारी लगी हुई है सर पूरे। कलेक्टर साहब से मांग करते हैं कि हमें अतिक्रमण हटाया जाए और न्याय मिले हमें। नमस्कार, रीवा, मैं हूँ भानु पंडित। और मैं हूँ अनीता भट्ट, और हमारे यहाँ आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने, जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए, और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।